নমস্কার। প্রথমে বলে দিই, যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন। পশ্চিমবাংলায় এবারে নির্বাচন কিছুটা মেরুকরণের ভিত্তিতে হতে চলেছে এমনই মত রাজনৈতিক মহলের। সেক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে বিজেপি, কারণ পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু মানুষ 27% কিছু বেশি রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সংখ্যালঘু কিছু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে ঝুঁকেছেন, যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। তেমনি উদাহরণ হিসেবে বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান এদিন সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে উঠে হঠাৎ জয় শ্রীরাম বলে শুরু করেন, তারপরেই তীব্র শোরগোল শুরু হয়ে যায়। মুসলিম হয়েও তার মুখে জয় শ্রীরাম নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তারপর তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ শানান। শুনুন। কনফারেন্স वगैरह के लिए बिहार जाना पड़ता है, तो बिहार के दो चार जो वहां के स्टेट के चैनल्स हैं हिंदी और भोजपुरी, वहां भी मैंने इनकी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने आते ही बोला आई एम चेजिंग लाइफ ए स्टॉर। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, और इससे भी जोर से बोलिए, राम का नाम कोई जेल नहीं भेजेगा, क्योंकि 2 मई के बाद तो दीदी को ही जाना पड़ेगा कहीं ना तिहाड़ जेल। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। कितना मजा आता है किसी को चुनता है। दिखा नहीं सकती है, सिर्फ डराती है, सिर्फ डराती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 10 मिनट लूंगी, थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। श्रीमती ममता बनर्जी ने 3 महीना पहले लगाया द्वारे द्वारे सरकार। मैं श्रीमती ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि 10 साल सिर्फ शाखा नाता का नोट गिन रही थी क्या, जो जनता याद नहीं आई थी, और जैसे ही वोट ने दस्तक दिया और दरवाजा खटखटाया असेंबली इलेक्शन में, आपने कहा द्वारे द्वारे सरकार, तो जनता ने कहा और भाजपा प्रेमी ने कहा दीदी आपका नहीं याद करता। दीदी आप नरेंद्र मोदी जी को बोलती है बाहर के लोग, अमित शाह जी को बोलती है बाहर के लोग, देश के प्राइम मिनिस्टर आपको बाहर के लोग लगते हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपको बाहर के लोग लगते हैं, अमित शाह जी होम मंत्री है, होम मिनिस्टर है देश के, और आप यहाँ पर पूरे पुलिस को अपने भाई को और अपने पैर का चप्पल बना करके रखी है, पतंग बना के रखी है, तोता बना के रखी है, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। देश का प्रधानमंत्री बाहर का है, लेकिन अगर वो आकर के भाजपा के मंच में
क्योंकि सबसे ज्यादा शारदा नाटा और रोजगरी में बंगालियों का ही लोगों ने पैसा लूटा है। केस के पत्तों को उठाकर देखिए रोजवेली का मैटर, मैंने हाईकोर्ट में 3 महीना देखा है। आप उस केस के हर एक पत्ते को अभी वोट के समय में बांटिए। लाखों लाख बंगालियों का पैसा इन लोगों ने लूटा है। ये लोगों के बाल बच्चे पैरिस और अमरीका में जाकर के शॉपिंग करते हैं और हम करते हैं हावड़ा मैदान मार्केट में। कहा है क्यों करेंगे, हम भी करेंगे पैरिस में, हमको भी करना है पैरिस और अमरीका में शॉपिंग। Bye.